आप अचार डलवाने आई हैं यहाँ पर? 35 साल से लेते हैं यार, 10-12 रुपए किलो जो इनका रेट चलता रहता है। वो टमाटर 24 से 48 घंटे से ज्यादा रुक नहीं सकता, उसकी हम प्यूरी बना के 1 साल तक रोक सकते हैं। आने का भी कोई चार्ज लेते क्या? उस पर 20 रुपए फीस है। इस वक्त टाइम 24 न्यूज़ की टीम मौजूद है राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र पर। आपको बता दें ये वो केंद्र है जहां पर अचार डाला जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में हिंदुस्तान के अंदर फल ऐसे हैं और सब कुछ सब्जी ऐसी हैं जो नष्ट हो जाती हैं। आपको मैं सहयोगी से कहूँगा, ये दिखाना चाहूँगा उस एरिए को जहाँ पर अचार डाला जाता है, ये अंदर हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको, क्योंकि अब फल भी आम जो है आ चुका है, कच्ची आमियाँ भी पूरे तरीके से आ चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए, दिखाना चाहूँगा यहाँ पर अचार डाला जा रहा है, अचार बनाया जा रहा है। सहयोगी से कहूँगा उधर भी दिखाएं, क्योंकि उधर कच्ची आमियाँ भी वहाँ पर रखी हुई हैं जहाँ पर ये पूरे तरीके से तैयार किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर आमी के पीस किए जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पूरी तैयारी से उसको बनाया जाता है। ये कच्ची आमी है और यहाँ पर महिलाएं ज़्यादातर आती रहती हैं अपने अचार के लिए, अचार डलवाने के लिए। बहुत सी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। अब से पहले उन्होंने यहाँ पर अचार डलवाया है, कई सब्जियों का यहाँ पर अचार डाला जाता है, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कैसा उनको यहाँ का अचार लगता है। सहयोगी से कहूँगा मेरे करीब आ जाएँ, साथ चलें मेरे, और यहाँ पर महिलाएँ खड़ी हुई, इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? ओमती। आप अचार डलवाने आई हैं यहाँ पर? अचार डलवाने। अच्छा, आपसे पहले कभी डलवाया अचार? 35 साल हो गई। 35 साल से डलवा रहे हैं? 35 साल से। कैसा लगता है अचार? बहुत अच्छा। अच्छा, पहले कचहरी रोड पर था तभी से आप डलवा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। अब कौन सा अचार डलवाने आई है? अरे आम, आम का है, दो तरह का, मिर्च का है, नींबू का है, कटहल का है, लहसुन का है, हरी मिर्च। यहाँ पर ऐसा भी अवसर दिया जाता है कि आप चाहें तो सीख सकती हैं? आप सीखी नहीं है 35 साल? या फिर आपने कोशिश ये करी है कि मैं मेहनत से बच जाऊँ? यहीं कोशिश ना करी थी। अच्छा, कोशिश नहीं करी। अच्छा अच्छा, यहाँ और भी बच्चों को पसंद नहीं है? बच्चों को वैसा पसंद है सेंटर का। अच्छा, सेंटर का ही पसंद है। आपका क्या नाम है? मनोज। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे भी वही 30-35 साल हो गए। 30 साल के? जी जी जी। आप फिलहाल किसका अचार डलवा रहे हैं? मैं आम का डलवाने आई हूँ। हाँ, आम का। साथ ही आते हैं? हाँ, साथ ही आते हैं। यानी आप बहुत पुरानी दोस्त? जी 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 हाँ जी जी। और एक ही अचार पसंद है या अलग अलग पसंद है? अलग अलग। पहले आंवले का मुरब्बा भी डलवाया, आंवले का भी है, ये नींबू का भी है, सर्दियों मिर्च वगैरह भी है, सब तरह का ही डलता है। अच्छा डलता है। बहुत से लोग अभी हमारे बुलंदशहर की बात करें तो इस चीज़ से बेखबर हैं, तो क्या कहना चाहेंगी जनता से? जनता को पता चला जादू, मतलब पता चलना चाहिए भाई, इसका प्रचार होगा, पता चलेगा अच्छी चीज़ में, अपना पूरा खराब होने का खतरा नहीं रहता, अच्छा वो रहता। अच्छा, चार्ज लेते हैं आपसे? तो 10-12 रुपए किलो जो इनका रेट चलता रहता है। हाँ, तो 12 है, पहले 8 था, है मतलब शुरू से डलवा रहे हैं, जैसे बढ़ता रहा वही इस तरह लेते हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर ये भी बैठे हुए हैं शायद। आप भी अचार डलवाने आए हैं क्या? हाँ, आ जाइए। वो सहयोगी, मैं सहयोगी से कहूँगा, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शोभा। शोभा, शोभा ये बताइए, आपको कैसे पता चला यहाँ पर अचार डलता है? वो पापा ने बताई थी, इसलिए हम आते हैं। पापा ने बताया। तो कैसा लगता है यहाँ का अचार? अच्छा लगता है। अच्छा, सीखने का कभी प्रयास किया कि मैं भी सीख लूँ फिर उन लोगों को भी सिखा दूँ? यस। सीखने का किया? यस। अब कौन सा अचार डलवाना है? आम का। आम का अचार डलवाने के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मौजूद हैं, बात करके उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो कितने रेट लेते हैं, कितने रुपये उनका चार्ज जाता है यहाँ अचार डालने का। और क्या नाम है आपका? प्रवेंद्र कुमार। सर ये बताइए, यहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर अचार डलवाने के लिए आते हैं, क्या चार्ज लेते हैं? 12 रुपया किलो है टुकड़ों पर। टुकड़ों पर 12 रुपये किलो। अच्छा, अभी एक बात बता रहे थे आप फल सब्जी को लेकर, वो क्या बात बता रहे थे? हमारे देश में जो फल सब्जी जानकारी ना होने की वजह से सड़ गल के नष्ट हो जाती हैं, 1 लाख करोड़ रुपये की। जैसे टमाटर पैदा हुआ अभी लॉकडाउन में, अब वो टमाटर 24 से 48 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकता, उसकी हम प्यूरी बना के 1 साल तक रोक सकते हैं, उसकी सॉस बनाकर हम 1 साल तक रोक सकते हैं। ऐसे ही आम का अचार, जैसे आंधी में आई अभी, तो आंधी में आम का अचार बनाकर हम साल को, तो जिससे उसका कंजप्शन बढ़े, किसान को उसका उचित रेट मिले। गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि उसको किसान को और लोग बाग सीखें और सीख के फिर घर डालें। अच्छा, सिखाने का भी कोई चार्ज लेते क्या? हाँ हाँ, नहीं, एक हमारे यहाँ 15 दिवसीय प्रशिक्षण है। अच्छा, उस पर 20 रुपये फीस है। 20 रुपये फीस? 20 रुपये प्रति। अच्छा,
प्रशिक्षार्थी। प्रतिदिन का एक 20 रुपए? नहीं नहीं, 15 दिन का 20 रुपए। 15 दिन का 20 रुपए, कुछ ज्यादा भारी भी नहीं है। देखिए आपके लिए बहुत एक अच्छा अवसर है, जो महिलाएं हैं घर पे सीखेंगी अचार और सीखने के बाद और भी लोगों को सिखा सकती है। इस तरीके इस कारण जो है हमारे जो देश की जो सब्जी है, जो बताया 1,00,000 करोड़ रुपए की सब्जी नष्ट हो जाती है जानकारी के ना होने की वजह से। अचार डाल सकते हैं, उसके कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, एक सुनहरा ऑफर है। और अब मैं सर से ही आपको पता यहाँ का मालूम करवा दूँगा किस जगह बनवा। सर जरा बताओ और बता दें कैमरे की तरफ देखकर। ये यहाँ पर कृषि विद्यालय में राजकीय फल संरक्षण केंद्र है, वहाँ पर आएँ और वहाँ पर डलवाएँ फल सब्जी का। अच्छा ये बताइए अचार के अलावा भी कुछ और भी जो आप बता रहे थे केचप बना देते हैं, वो भी आप बना देते हैं क्या? बना देते हैं। अच्छा टमाटर अगर होगा तो उसका केचप भी बना देते हैं? हाँ, प्यूरी बन जाती है, सॉस भी बन जाता है, सेब का जैम भी बन जाता है, अमरूद की जेली बन जाती है, आंवले का मुरब्बा भी बन जाता है, काफ़ी हैं, और आपका आंवले की चटनी बन जाती है, सब्जी का अचार भी बन जाता है, नींबू का अचार भी बन जाता है। हाँ सब, कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका है बुलंदशहर की जनता के लिए। आपको बता दूं यहाँ पर मैंने पहले भी आपको दिखा दिया, सहयोगी से कहा था मैंने, सारी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं। ये वो सब्जी जो एक बताया 1,00,000 करोड़ की जो नष्ट हो जाती है, हमें जानकारी भी नहीं होती कि भाई इसका कुछ और भी किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है इन्होंने बताया कि आंवले का भी मुरब्बा वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हैं। एक सुनहरा अवसर है, अगर खुद आप नहीं सीख पाते हैं तो यहाँ पर डलवा भी सकते हैं और कोई ख़ास उसके चार्जेस भी नहीं है। सारा सब कुछ अभी हमने आपको दिखाया। कैमरा पर्सन शुएब और अपने सहयोगी जीशान के साथ मैं हया खान, Time 24 News, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।